नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo K10 versus Realme 9i 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo K10 में 2.98 इंच जबकि 9i 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Oppo K10 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Oppo K10 में 0.33 इंच जबकि 9i 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo K10 में 189 ग्राम्स जबकि 9i 5G में 187 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo K10 में 6.59 इंचेस जबकि 9i 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Oppo K10 में 1080x2412 और 9i 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo K10 में 84.25% जबकि 9i 5G में 85.18% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo K10 में 401 पिक्सल प्रति इंच जबकि 9i 5G में 400 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo K10 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 9i 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo K10 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 9i 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo K10 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 9i 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo K10 में Adreno 610 जबकि 9i 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo K10 में Qualcomm Snapdragon 680 और 9i 5G में MediaTek Dimensity 810 MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo K10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि 9i 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo K10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 9i 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Oppo K10 में Android V11 जबकि 9i 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Oppo K10 में 2 कलर्स जबकि 9i 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Oppo K10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 14,990 रुपीज़
8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 9i5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो K10 में 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 9i 5G की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 9i 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G71 5G है, दूसरा लावा अग्नि 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।